मुरादाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के नाम पर 18,36,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के खाते में हर माह किश्त आने के नाम पर ठगी की गई। जब उसे ठगी का पता लगा तो एसएसपी को शिकायत दी। एसएसपी के निर्देश पर मुगलपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित के मामा के दो बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस टीम मामले में जाँच कर रही है। गौरतलब है कि ठगी के मामले में हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी को बीते मंगलवार को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। मकबरा निवासी इमरान अंसारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि अगस्त 2023 में उसके मामा के दोनों बेटे मुजीम हुसैन और अजीम हुसैन पुत्र हुसैन अहमद उसके घर आए और उन्होंने बताया कि वो एक ओजोन मित्र हिंदुस्तान एनर्जी सेवर्स नाम की कंपनी में है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और बिजली की बचत करने वाले कार्ड बेचती है। कंपनी से 2,01,000 रुपए की एक स्कूटी खरीदने पर 5 वर्ष तक हर महीने उनके बैंक खाते में 18,000 रुपए किश्त आएगी और दूसरी स्कीम के तहत 2,04,000 रुपए देने पर उसके खाते में 5 साल तक हर महीने 24,000 रुपए किश्त आएगी। इमरान के मुताबिक आरोपी मुजीब हुसैन और उसके भाई अजीम हुसैन ने उससे मामा के बेटे होने की बात कहकर उन पर विश्वास कर अपने रिश्तेदारों को ही स्कूटी खरीदने को कहा और कहा कि तुमको लगता है कि कंपनी भविष्य में भाग जाएगी तो हम दोनों भाई ब्याज समेत तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। इमरान ने मुजीब और उसके भाई अजीम की बातों पर विश्वास किया। अपने बड़े भाई मोहम्मद रफी दोनों बहनोई जावेद और मुमताज को बताया, जिसके बाद पीड़ित इमरान के बहनोई जावेद मुमताज भाई मोहम्मद रफी ने 2,04,000 वाली 9 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की रकम 14,28,000 रुपए मुजीब हुसैन और उसके भाई अजीम हुसैन को नगद दे दी। इसके अलावा 4,08,000 रुपए मुजीब हुसैन ने उनसे बैंक खाते में डलवाए। पीड़ित के मुताबिक कुल 18,36,000 रुपए की रकम लेने के बाद दोनों भाइयों ने गारंटी लेते हुए कहा कि कभी अगर कंपनी घाटे में जाती है तो ली गई रकम वापस देने की गारंटी हमारी है, हम अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा नहीं कर सकते। इसके बाद ठगों द्वारा बताई गई किश्त 24,000 रुपए इमरान और उसके बहनोई और भाई के खाते में 3 महीने तक आई। इसके बाद कोई पैसा नहीं आया, जिसके बाद इमरान ने अपने मामा के बेटे मुजीब और अजीम को किश्त ना आने की बात कही तो उनके द्वारा कहा गया कि कंपनी फरार हो गई है। इमरान ने अपनी लगाई रकम मुजीब और अजीम से वापस मांगी तो आरोप है कि मुजीब हुसैन और अजीम हुसैन ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित इमरान अंसारी ने पूरे मामले की शिकायत मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना से की। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी मुगलपुरा मनोज कुमार को केस दर्ज करने के आदेश दिए। इमरान की तहरीर के आधार पर मुजीब हुसैन और अजीम हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुजीब हुसैन है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी आईडी है ME741156। ये मेरी ओजोन मित्र की आईडी है और मैंने मुरादाबाद से विद्युत मित्र की SEP और ओजोन मित्र की SEP ले रखी है और बहुत सारे मैंने कार्ड लगाए हैं जिनमें लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, बिजली की 15-30% की बचत भी हो रही है और 500 रुपये के रेगुलरली सब लोगों की सब्सिडी भी टाइम टू टाइम आ रही है। और ओजोन मित्र की मैंने SEP ली है, इसमें लगभग मैं 32 गाड़ी सेल कर चुका हूँ और सब लोगों की टाइम से इसमें सब्सिडी भी 10,000 रुपये की आ रही है, लोग बहुत खुश भी हैं। और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ हमारे राहुल सर जी का जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में लेकर के आए हैं, सुमित सर जी का, समीर सर जी का और आदित्य जी का। और मैं इस बिजनेस से जुड़कर बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं शुक्र अदा करता हूँ सारे लोगों का जो इस टीम से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को हरियाणा राज्य की पानीपत की पुलिस ने ठगी के मामले में मुजीब हुसैन को मुरादाबाद के कुरहटी से एक टेलर की दुकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुजीब हुसैन और उनके अन्य साथियों के खिलाफ पानीपत, गुड़गांव, करनाल और यूपी के अन्य जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और विद्युत कार्ड बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में मुकदमे दर्ज हुए। पानीपत पुलिस ने आरोपी मुजीब हुसैन को 5 दिन की रिमांड लेने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मुरादाबाद के इमरान अंसारी का आरोप है कि आरोपी मुजीब हुसैन के पिता हुसैन अहमद उस पर अपने घर की महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोप लगाने की धमकी दे रहे हैं। इमरान ने बताया कि उसने इस मामले में पुलिस को अवगत करा दिया है। ये जो है कुछ महीने पहले एक कंपनी लेके आए थे ओजोन मित्रा, इन्होंने बताया कि एक स्कूटी है जो 2,04,000 रुपए की है, उसमें हर महीने आपको किस्त आएगी 24,000 रुपए महीने की। इन्होंने हमें विश्वास दिलाया
कि इसमें पैसा लगा दो, हमारे पूरे परिवार को विश्वास दिलाया कि इसमें पैसा लगा दो और मैं जिम्मेदार हूँ इसका। तो हमने 18,36,000 रुपये सब परिवार वालों ने मिलके इनको दे दिए। 3 महीने तक तो इनकी किस्त आई और उसके बाद जो है किस्त आनी बंद हो गई। इन्होंने बोला था कि तुम मेरे ऊपर पैसा लगाओ, कंपनी कल कहीं जाती है तो इसके पैसे मैं दूंगा, ब्याज समेत पैसे वापस दूंगा। जब हमने इनसे पूछा कि अब किस्त क्यों नहीं आ रही, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बात को इधर उधर कर दिया, कुछ नहीं बताया। फिर हमने थाना मुगलपुरे में इसका मुकदमा दर्ज कराया। हम इंसाफ चाहते हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मेरे साले मुबेरे जिनका नाम मुजीबुर रहमान है, वो एक ओजोन मित्र के नाम से कंपनी लेकर आए थे जिसमें 2,04,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो एक गाड़ी का। तो हम उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी कंपनी देखी हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है, आप मैं हूँ तो मैं पैसे, अगर कंपनी भागती है तो पैसे मैं दूंगा मैं ब्याज के। अब जो है 2 महीने हमारे जो है किस्त आई, उसके अलावा जो है तीसरे महीने किस्त नहीं आई है, बोले अगले महीने आ जाएगी, फिर उसके अगले महीने आ जाएगी, लेकिन किस्त नहीं आई। जब हमने देखा तो पता लगा कि वो कंपनी भाग गई है। फिर हमने मुझे भाई दे गया, बोला भाई अभी भागी नहीं है कंपनी, मैं जाऊँ, वो मतलब तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गई। तो अब ये हमने सब इकट्ठे करके पैसे लगभग 18,36,000 रुपये हमने सबने इसमें इन्वेस्टमेंट करा। अभी इसमें वो करके इन्वेस्टमेंट, अब ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं जानता कंपनी भाग गई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कंपनी देगी तो दूंगा पैसे। अब जो है इनके खिलाफ़ हमने मुगलपुरा थाने में FIR दर्ज करा दी। हम ये चाहते हैं कि साहब हमें इंसाफ मिलने चाहिए, हमें पैसे मिलने चाहिए हमारे। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का, कंपनी भागती है तो मैं दूंगा मैं भी रास्ते पैसे। पता लगा कि वो क्या नाम उसका, हरियाणा से पुलिस आई थी कि वहाँ भी उनका एक FIR दर्ज है उनके नाम, तो उससे पता लगा वहाँ की पुलिस आई, वो उठाकर यहाँ से ले पकड़ गए।